गोपाल मंदिर पर महंत पुरुषोत्तम दास बड़ा हनुमान मंदिर पर कब्जा करने का आरोप, कलेक्टर से महंत को हटाने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। गोपाल मंदिर न्यू ब्लॉक शिवपुरी पर पुरुषोत्तम दास महंत बड़ा हनुमान मंदिर शिवपुरी द्वारा भूमाफियाओं के सहयोग से मंदिर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटनाक्रम से अवगत कराने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। मंदिर श्री गोपाल जी मंदिर की स्थापना गद्दी डाकौर खलासा गिरनार मंदिर बमरा परगना पोहरी जिला शिवपुरी के श्री महंत श्री गोपाल दास जी महाराज उनके शिष्य मथुरा दास जी द्वारा की गई थी। मथुरा दास के पश्चात उनके शिष्य ओमकार दास ने गद्दी संभाली। उनके देवलोक गमन के पश्चात ओमकार दास के गुरु भाई हरनाम दास को गद्दी सौंपी गई। दिलीप दास को भूमाफियाओं द्वारा किसी को केस में फंसा दिया गया, वह इस समय अज्ञातवास में है। गद्दी हरनाम दास के शिष्य व डाकौर खालसा गिरनार मंदिर के महंत बमरा परगना पोहरी गंदीन सीन है। संत परंपरा के अनुसार पुरुषोत्तम दास डाकौर खालसा की हमारी संत परंपरा से इनका कोई संबंध है। क्या नाम है आपका? बारकदास। ये आज आप कलेक्टर आयोग क्या मामला लेकर आए हो? ये आए हैं कि वो बाबा जी दूसरे रूप में हैं, वो मंदिर है हमारा, वो गुरु महाराज का। पहले हमारे बाबा रहते थे दिलीप दास, फिर चले गए हम रहते बमरा दो आश्रम, ऐसे में पता नहीं करो पीछे पता करो बिना दूसरा बाबा रोक देते हमने भाई तुम क्या? कौन से बाबा रोक दिए उनने? दास। कहाँ पर मंदिर है ये? गोपाल मंदिर है न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक में श्याम भाई तुम आओ। एक पे एक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? श्याम यादव। कहाँ से आए हो आप? बेदारी गांव है हमारा। हमारे 28 गांव का जो मंदिर है गिरनारी मंदिर बमरा में, उसकी ये संस्था है यहाँ पर गोपाल मंदिर। हमारे पूर्वजों के संत जो माए इनके जो संत हैं अभी तक उनका ये मंदिर है, उनने बनवाया निर्माण करवाया यहाँ पर। और पुरुषोत्तम दास महाराज को गलत तरीके से संतों द्वारा या किसी ने भी उनको वो बना दिया महल। हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया था कैसे ऐसे पुरुषोत्तम दास जी को यहाँ का संत वो बना दिया महंत। बल्कि महंत हमारे जो गुरुदेव जो पूजा कर रहे हैं बरसों से, इनको नहीं बनाया गया, दूसरों को बना दिया गया अलग तरीके से। इनसे पहले और कौन पूजा करता था? इनके गुरु जी थे वो अन्नाम दास। मतलब नियम के अनुसार इनको बनना था? नियम के अनुसार इनको बनना चाहिए। तो अब तब आपके यहाँ पर आवेदन देने आयो, क्या मांग की है आपने? हमने मांग की है यदि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती या इनको महाराज जी को नहीं रखा जाता तो विशाल आंदोलन करेंगे हम 28 गांव के लोग। तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? आपने बोला हमारी क्या मांग? उनसे अब उनसे बात करेंगे हम। अभी तो कानूनी प्रक्रिया है, अपने जो अपनाइए पहले करेंगे, फिर उसके बाद उनसे देखेंगे।